जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं पॉपअप बॉक्स के बारे में, यानी कि आप जैसे ही क्लिक करते हो और एक मैसेज आता है, वार्निंग आती है, कैसे वो बॉक्स आता है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं फाइल को बना लेता हूँ, यहाँ पे फाइल का नाम है डेमो 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 1 2 3, एक HTML फाइल है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब उस बॉक्स के लिए ना हमको जावा स्क्रिप्टिंग करना ही पड़ेगा, तो हम HTML के बाद जावा स्क्रिप्टिंग करेंगे। HTML बॉडी ले लीजिए, बॉडी बॉडी को, फिर बॉडी को बंद कर दीजिए, बॉडी बंद हो गई, स्क्रिप्ट करिए, स्क्रिप्ट सॉरी स्क्रिप्ट। अगर आपको CSS और CSS फ्रेमवर्क और भी वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट को जरूर प्ले करें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। SCRIPT स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। अब आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स चाहिए, तो मैं थोड़ा सा एक डिज़ाइन यहाँ पे लगा लेता हूँ। H1 का सेंटर, और सेंटर में लिखता हूँ DURGESS तरीके सर, ठीक है, ALERT अलर्ट डेमो, अलर्ट डेमो, और यहाँ पे सेंटर को बंद और यहाँ पे H1 को बंद, और बैकग्राउंड का कलर BG कलर, कलर इक्वल्स टू ORAN ऑरेंज, से रिफ्रेश। इसको ओपन करिए फाइल को, जो फाइल मैंने बनाई है, फाइल का नाम क्या है, डेमो 1 2 3। मैं डेमो 1 2 3 को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका H1 बन के आ जाएगा, ये अलर्ट डेमो आपका बन के यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा, अलर्ट लगाने के लिए लिखते हैं अलर्ट, अलर्ट एक फंक्शन ही है, उसी को लिख देना है, ठीक है, SUBSCRIBE सब्सक्राइब PLEAS सब्सक्राइब प्लीज, सेमी कॉलन, सेव और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे बॉक्स आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब प्लीज। कुछ भी मैसेज लिख के आप अलर्ट को बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने अलर्ट लिखा हुआ है, एंड लाइक प्लीज, सेव रिफ्रेश, जितनी बार रिफ्रेश करेंगे वो बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद ही पेज चलेगा आपका। तो ये है आपका अलर्ट बटन, अलर्ट लगाएं और अलर्ट का काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।